हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ये बच्चे जो मेधावी की तैयारी कर रहे हैं, एनएएस की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे एक्सलेंस की तैयारी कर रहे हैं और नवोदय विद्यालय, उन सभी के लिए ये वीडियो है। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है कि पैराग्राफ जो यदि हिंदी का कोई आता है तो किस तरीके से आप उसे पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को समझेंगे और उनका आंसर जो आपका है सही सही होने वाला है। तो आप पैराग्राफ को जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको जो है समझ में आएगा और उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे और सही सॉल्व होने के जो है चांस भी उतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पे गोला लगाएं। गोला इस तरीके का गोला लगाना है, और कहीं कहे आपको एमआर सीट में गोला भरिए तो वो गोला इस तरीके से आपको जो सही आंसर है वो चुनना है और इस तरीके से जो है गोल कर देना है। देखना है कि गोला में कहीं भी छूटे नहीं। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। शाला यानी विद्यालय, स्कूल के पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होता है इंग्लिश में मैं कहूँ तो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है पुस्तकालय का मतलब, पुस्तक यानी किताब पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं। आप क्या, आपने क्या किया, आप लाइब्रेरी गए, स्कूल की लाइब्रेरी में गए और वहाँ आपने एक बुक ली, ठीक है, पढ़ने के लिए ली। पढ़ते पढ़ते पुस्तक में दो सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। भाई आपने देखा वो कितने अच्छे जो हैं चित्र बने हुए हैं, पेपर पे बने हुए हैं, क्यों ना मैं इनको निकाल लूँ। तो आपने क्या किया, दो सुंदर चित्र जो हैं निकाल लिए। यह पुस्तक पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया, लेकिन आपने ये चीज़ तो अच्छी नहीं की कि लाइब्रेरी में गए, बुक का कोई दो पेज फाड़ लिए आपने या फाड़ के रख लिए, दुरुपयोग किया। बिल्कुल किया आपने दुरुपयोग, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं थी। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, जी हाँ बिल्कुल, ये बुक आपकी तो थी नहीं जो आपने भाई दो पेज फाड़े और रख लिए, बिल्कुल निजी यानी होता है खुद का अपना। सार्वजनिक थी, सार्वजनिक थी यानी कि ये स्कूल की थी या लाइब्रेरी की बुक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले आना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनमें कुछ लिख देते हैं और उसको फाड़कर भी अपने घर ले आते हैं। सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता है। भाई सार्वजनिक वस्तु है आपकी, नहीं है ना पर्सनल, आप घर से तो लाए नहीं थे। तो इस प्रकार पुस्तकालय, वाचनालय या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आप लाइब्रेरी गए, पुस्तकालय में गए और पढ़ने, वहाँ क्यों जाते हैं भाई, पढ़ने जाते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगी, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रहती हैं। आपस में बातचीत करने से वाचनालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने में भी बाधा पड़ती है। कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है और आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। पुस्तकालय की पुस्तक, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, प्रश्न यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पढ़ना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके आंसर गलत हो जाए। पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है, उन पर लिखना, जी नहीं ये तो गलत है। उन्हें फाड़ना ये भी गलत है। चित्र निकाल लेना ये तो सबसे गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्हें पढ़ना, मैंने गोला कर दिया। यदि कोई कहे भरने के लिए कि गोले भरो तो इस तरीके से गोल गोल भर देना है। पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं स्वयं की नहीं, मित्र की नहीं, घर की नहीं, सार्वजनिक यानी कि वो सभी के लिए हैं, आपकी अपनी पर्सनल नहीं है। गोला कर दिया, अगर गोला भरना हो तो यहाँ पे इस तरीके से गोला भर दिया। पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है, अच्छी तरह पढ़ाई होती, बातें करने से पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। पढ़ने में खूब मन लगता है, आप बातें करेंगे तो मन कैसे लगेगा पढ़ने में, दूसरों के पढ़ने में बाधा होती है। जी हाँ, अगर आप बात करेंगे तो दूसरों को पढ़ने में बाधा होगी, प्रॉब्लम होगी, समय का सदुपयोग कैसे होगा। बुक में या पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठ के बातें करेंगे तो ठीक है, तो ये आपका गोला कर देंगे, और अगर इधर वैसे होगा सर्किल करने का तो सर्किल कर देंगे, और गोला भरने का होगा तो भर देंगे। वाचनालय का सही उपयोग
है शोर मचाना, आप लाइब्रेरी में जाएंगे शोर मचाएंगे गलत बात है, बैठकर बातें करना गलत बात है, खेल खेलना गलत बात है, किताबें पढ़ना सही आंसर होगा। वाचनालय का सही उपयोग क्या है, लाइब्रेरी का सही उपयोग क्या है, पुस्तकालय का सही उपयोग क्या है, वहाँ पे किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं। सदुपयोग का विलोम क्या होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा, अगर मैं इंग्लिश में बोल लूँ आपको तो सदुपयोग का होगा अनुप्रयोग नहीं, बहुप्रयोग नहीं, उपयोग नहीं, दुरुपयोग। क्या होता है इसका आंसर, जी हाँ, जो सदुपयोग है उसका विलोम होता है दुरुपयोग। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके चार पांच जो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 पांच क्वेश्चन बहुत आराम से सही हो जाएंगे और 5 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आपको आ जाने चाहिए। अगर आप इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको करवा दिया था, ये हिंदी का पैराग्राफ नंबर 2 है इसकी। इससे पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।